अरे आंटी जी, ये किसकी मौत का मातम मना रही हैं आप? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप जिसकी मौत का शोक मना रही हैं, वो तो आपके सामने खड़ी है। अरे आंटी, आपको क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब तो ये था कि ऐसा हो सकता है ना? अगर आपकी बहू मर गई है तो उसकी लाश तो अभी तक मिली नहीं, और अगर नहीं मरी तो उसका नया चेहरा किसी ने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं, इसलिए वो कोई भी हो सकती है, कोई भी। देखो, बकवास बंद करो अपनी। तुम यहां कुत्ते के लिए आई हो ना, अब बस उसी पर ध्यान दो। यह हमारे घर का मामला है, उसमें दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे आंटी, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि ऐसा हो सकता है ना? इस लड़की के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसने जो कहा वो गलत भी तो नहीं है। अल्लाह रखा, मालूम लगता है बाबा आ गए। तू रखे जिस हाल में खुश है, आग लगे दिल गिरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। अच्छा हुआ आप आ गए बाबा, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे दिल ने तुम्हारे दिल की पुकार को महसूस किया और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है, सो मैं चला आया। कुछ परेशान हो नेत्री? बताओ तो तुम्हारी परेशानी क्या है? हाँ बाबा, मैं आशु बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। बाबा मुझे पूरा यकीन है वो यही कहीं हमारे आसपास ही होगी। मुझे मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तुम जो चाहो करो नेत्री, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें उस बच्ची की सास से होशियार रहना होगा, क्योंकि वो यही कोशिश कर रही है कि सब के सब हमेशा हमेशा के लिए आशु बेटी को भूल जाएं। मैं जानती हूं बाबा, मैं जानती हूं, लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं है, अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं है मुझे बाबा, मुझे तो बस आशु बेटी की फिक्र है। मां, मां मेरी बच्ची की रक्षा करना, मां मां मेरी बच्ची की रक्षा करना। जय मां। एक काम करता हूँ, आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले। कैसा लगा आइडिया? बहुत बेकार, कोई छुट्टी उट्टी लेने की जरूरत नहीं है, शाम को जल्दी आ जाना, हम लोग बाहर जाएंगे। देखो, मुझे बुखार तो नहीं है ना? प्रीत, कोई बुखार बुखार नहीं है। देखो देखो, मुझे खांसी भी आ रही है। प्रीत, मजाक छोड़ो, तुम्हें कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, चुप जाओ, वापस जाओ। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो, तुम्हें हमेशा हंसते रहना चाहिए। भगवान करे हमारी जिंदगी में अब कोई भी परेशानी ना आए। I love you Preet. I love you too. नहीं, ये सच नहीं है, आशु नहीं मर सकती, वो तो बस रूठ कर कहीं चली गई है, और वो एक दिन वापस लौट कर जरूर आएगी, उसे आना ही होगा। रो लो बेटा, जी भर के रो लो, अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोकने की कोशिश मत करो। तू वो जैसी भी थी,
तुम्हारी बीवी ही थी ना बेटा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। माँ प्लीज, अभी आस लगाए बैठे हो कि बहू वापस आएगी? अरे बेटा, मर कर भी कोई वापस आया है भला? उन लोगों को देखो, देखो उन लोगों को, उनकी आंखें नम हैं। क्या क्या उनके उनके आंसू छूटे हैं? क्या मेरा मेरा दुख दिखावा है? बेटा तुम्हारी बीवी मर चुकी है, मर चुकी है वो। हे भगवान, मेरी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाओ प्रीत, प्रीत अपने विश्वास को कभी मरने मत देना। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि आशु जिंदा है तो वो जरूर वापस आएगी। मुझे पूरा यकीन है भाभी कि आशु जिंदा है, और मेरा दिल कहता है कि वो यही कहीं आसपास है। पर तकलीफ तो इस बात की है भाभी कि अगर वो ठीक है तो सामने क्यों नहीं आती? अगर वो कुछ और दिन नहीं आई तो मैं भी माँ की तरह। बस नहीं भी, मेरा दिल भी कहता है कि आशु जरूर वापस आएगी। बस हौसला मत हारना। तुमने क्या सोचा था चेहरा बदल लेगी तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? लगता है तू भूल गई कि मैं सिर्फ तेरे शरीर को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी पहचानता हूं। तू औरों को धोखा दे सकती है लेकिन मुझे नहीं। क्यों पड़ा तू मेरे पीछे? अगर तुम मुझे चाहते क्या? मैं तेरी रक्षा करना चाहता हूँ बेवकूफ लड़की। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, सुना तुमने? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, चले जाओ तुम, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ तुम यहाँ से। तुम्हारी जंग अभी तक पूरी नहीं हुई आशु, और मेरी मदद के बगैर तुम ये जंग नहीं जीत सकती। नहीं जीतनी मुझे जंग, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा, सुना तुमने? मुझे तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। आया है इस घर में जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से चला गया। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो यहां पर? अभी भी कोई काला जादू करना बाकी रह गया है क्या? मैं तो यहाँ आशु बेटी से मिलने आई थी, लेकिन वो क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो ये सब? मैं कर रही हूँ ये सब? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सब तुमने किया है। तुमने मेरी बहू को उल्टी की पट्टी पढ़ाई है और किसी वजह से वो बेचारी अभी जान गंवा बैठी। नहीं, गलत है ये, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। आशु बेटी मर नहीं सकती।
चुप रहो और दफा हो जाओ मेरे इस घर से। मैं तुम्हारा साया भी अपने इस घर में देखना पसंद नहीं करते। गेट आउट। तुम देखो, तुम जो कुछ भी कर रही हो सही नहीं कर रही। सही और गलत की पहचान मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। अब मेहरबानी करो और जाओ। जा रही, लेकिन मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का नकाब उतार कर फेंक दूंगी। वादा रहा मेरा, वादा रहा तुमसे। मुझे माफ कर दो नित्री, मैं तुम्हें अपनी असलियत नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती कि मैं कौन हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस से लड़ूं। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ, लेकिन बॉबी तो ऐसा कभी नहीं था। फिर वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है? जीते जी तो वो हमेशा मेरी बहुत इज्जत करता था। जय का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर भी उन दोनों में कितना फर्क था। आशु, तुम समझने की कोशिश करो, तुम जय को जानती नहीं हो। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। आशु, तुम्हें उसके खिलाफ कुछ बोलना होगा वरना 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 क्या होगा बॉबी? जय, देखो तुमने इसका क्या हाल बना दिया है। रो रो के बुरा हाल हो गया इसका। तुम इसे नहीं जानते बॉबी, ये जितनी भोली भाली दिखती है ना उतनी है नहीं। जब मैंने तुम्हें कॉफी पीने के लिए बोला था तब तुमने मना कर दिया। क्यों आशु, क्यों? आशु मेरे साथ आइए जय। एक लड़की के लिए तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंखें दिखा रहे हो। वाह दोस्त, आज हाथ पकड़ा है, कल को हाथ उठा भी दोगे, वो भी इस लड़की की वजह से। हाँ, जरूरत पड़ी तो रुकूंगा नहीं। वो भी चलाओ मत जय। आशु, आशु, जय। उन दोनों ने मेरी वजह से झगड़ा किया, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मरने के बाद भी वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि वो लोग मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? मुझे इस मामले की जड़ तक पहुंचना होगा, लेकिन इस जंग में जो मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे नित्री और बाबा से मिलना ही होगा अभी। काफी अच्छा सजाया है कमरे को, जरा देखो तो असलियत क्या है इस लड़की की।
ये तो आशु और प्रीत का फोटो लगता है, लेकिन इसका मतलब मेरा शक सही निकला। अश्लेषा ही आशु है, लेकिन उसने अभी तक ये बात छुपाई क्यों? आखिर वो ऐसा कौन सा खेल खेलना चाहती है मेरे साथ? हाँ, जब तक वो चुप है मुझे भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और जब तक ये लड़की अपना मुंह खोलना चाहेगी तब तक मैं उसे खत्म कर चुकी हूँ। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जीवन जोगी वाला फेरा, चारों धाम जगीरी में मन लागा मेरा, यारी फकीरी में मन लागा मेरा, क्या कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जीवन जोगी। नेत्रे छेमा, छेमा, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी, जरूर आओगी बेटी। मैं जानती थी कि तुम यहीं कहीं हमारे आसपास ही आशु थी। आपने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारी आंखों से। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो मुझे अपने सारे सवालों के जवाब तुम्हारे आंखों से मिल गए थे, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर गई थी। आपने तो देखा ना मेरी सास मेरे बारे में क्या सोचती है, इसलिए मैंने नया चेहरा और नया नाम अपना लिया है, ताकि उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं उसका बदला ले सकूं। अश्लेषा चला जा, अश्लेषा, अश्लेषा, ओफो, ये भी कहीं नजर नहीं आ रही। हाय, मुझे योगा क्लासेस में जाना है, अब मैं तुझे किसके सहारे छोड़ के जाऊं? चल। ये प्रीता और आशु की फोटो अश्लेषा के कमरे में क्या कर रही है, और आशु की जगह पे उसने अपना फोटो क्यों लगाया? हे भगवान, ये मैंने किसे नौकरी पे रख लिया? कौन है ये लड़की और ये क्या करना चाहती है? मैं तुम्हारी मन की भावना समझ सकती हूँ बेटी, लेकिन बेटी कल विजयदशमी का दिन है, दशहरा, और कल भगवान राम ने सारे असुरों का नाश किया था, असुरों का राजा रावण का वध किया था। बेटी कल ही वो दिन है जब हम अपने जीवन के सारे असुरों का नाश कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारे जीवन के उस अनिष्ट आत्मा को दूर भगाना होगा। नहीं, सबसे पहले मुझे अपनी सास के बारे में सबको बताना है, वरना मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, अग्निदेव तुम्हारे साथ है। जय अग्निदेव, जय मां, जय मां। मुझे माफ कर दो प्रीत, मैं जानती हूं मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है, लेकिन कुछ दिनों की बात और है, फिर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई शिकायत। वाह अश्लेषा वाह, मैं तुम्हें एक बहुत ही शरीफ लड़की समझती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम कुत्ते पे नजर रखते रखते प्रीत पे भी डोरे डालोगी। भाभी मत कहो मुझे, भाभी मत कहो, इतने दिनों से तुम हमारे साथ रह रही और फिर भी। भाभी आप चुप
चुप हो जाओ तो। तुमने क्या सोचा कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा? इस घर की बहू होते हुए तुम एक नौकरानी की तरह रह रही थी। क्यों क्यों आशु क्यों? मानती हूं, मैं ये मानती हूं कि तुम हम सबको गैर समझती हो, लेकिन लेकिन एक बार भी तुमने प्रीत के बारे में नहीं सोचा? ये नहीं सोचा कि उसने क्या हाल बना लिया है? क्यों आशु? मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत दुख उठाने पड़े। लेकिन मेरा यकीन करो भाभी, मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसके पीछे एक वजह है। क्या? वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन वादा करो भाभी, आप किसी को नहीं बताओगी कि मैं आशु। वादा करो भाभी। बाबा आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ खास काम था? बहुत खास काम था। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ भूल रही है? मैं क्या बाबा? यही तो बात है तुम बड़े लोगों की, काम निकलने के बाद सब कुछ भूल जाते हो। याद कर, मैंने तुझसे कहा था कि काम हो जाने के बाद जो भी मैं मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। हाँ बाबा, आपने कहा था, लेकिन क्या चाहिए? लेकिन क्या चाहिए? वाह, जब कीमत चुकाने का वक्त आया तो पसीने क्यों छूट रहे हैं तुझे? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए आपको क्या चाहिए। काली! कल दशहरे का त्योहार है और मुझे पूजा के लिए इंसान की दो उंगलियां कम पड़ रही है। मुझे तेरे दाहिने हाथ की ये दो उंगलियां चाहिए बस। क्या करूं मैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। क्या हुआ आंटी जी, आप चीख क्यों रही हैं? मैं चीखू चिल्लाऊं कुछ भी करो, तुम्हें उससे क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना आंटी जी? आजकल आप खामखा चीखती चिल्लाती बहुत हैं, कहीं आप किसी से कुछ छिपा तो नहीं रही हैं ना? मैं क्या छुपाऊंगी? हाँ, क्या छुपाऊंगी मैं? कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात हो जिसके बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो। वो देखो ना, मुझसे ये सवाल पूछने वाली। देखो, अपने काम से काम रखो, समझे तुम? अपना काम ही तो करने आई हूँ मामी जी। कहाँ हो तुम बॉबी? तुम मेरी आवाज सुन रहे हो बॉबी? बॉबी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बॉबी देखो,
आज मैं तुम्हें बुला रही हूँ। बॉबी, हमेशा तुम कहते थे ना कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, और मैं तुम्हें मना करती थी। आज मैं तुम्हें बुला रही हूँ बॉबी, मेरी मदद करो बॉबी। बॉबी प्लीज कम। बॉबी मैं तुम्हें सामने से बुला रही हूँ बॉबी। बॉबी प्लीज मेरी मदद करो बॉबी। बॉबी प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो बॉबी। बॉबी प्लीज मेरी मदद करो बॉबी। सामने अपने जुर्म को कबूल करो। नहीं, नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा? भोरी बाबा तुम्हारी उंगलियां मांग रहा था ना, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। बोल, सच्चाई बताओ या नहीं, बोल। क्या हुआ आपको? ये कैसे हुआ मामा, बताओ। मम्मी जी, आपकी हालत किसने की? मम्मी जी, बेटा ये सब मेरे कर्मों का फल है। बेटा, ये आप क्या कह रही हैं माँ? ठीक कह रही हूँ मैं। इतने दिनों बाद मैं तुम सबके सामने सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। प्रीत, तुम्हारी ये माँ ना, तुम्हारी माँ एक खूनी है, खूनी। मामा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप अंदर चलिए। अनिता, मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई है बेटा। तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी आशु पे हमला किसने किया, उसका चेहरा किसने चलाया? मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है अपनी आदित्य शक्ति से रचाए मैंने कुचक्र। इसमें भेड़िए का खून और दुर्लभ जड़ियों का मिश्रण है। ये तेरे शरीर को दीमक की तरह चाट जाएगा। मम्मी जी, आज के बाद तेरी इस भोली सूरत को कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये शक्ल रहेगी नहीं। काली, मम्मी जी, नहीं, नहीं!
माँ आपने? हाँ बेटा, मैंने मैंने आशु को मारने की कोशिश की, लेकिन बेटा मैं कामयाब नहीं हुई। माँ इसका मतलब आशु? हाँ बेटा, आशु जिंदा है। तुम सही थे बेटा, मैं ही गलत थी। मैं तुम जानना चाहते थे ना कि आशु का है। इतने दिनों से तो वो हमारे बीच ही है, हमारे साथ रह रही है वो। हाँ बेटा, अश्लेषा आशु है, तुम्हारी आशु। Sure.